25 मई को जन्मे व्यक्ति प्रेमी स्वभाव के होंगे। हर समय कल्पनाओं में खोए रहना इन्हें अच्छा लगता है। किसी न किसी कला के क्षेत्र से ये लोग जुड़े रहते हैं। घूमने के बेहद शौकीन होते हैं, एक जगह टिक कर रह नहीं पाते, इसीलिए किसी भी काम में पूरी तरह से ये फोकस्ड नहीं रह पाते हैं। याददाश्त इनकी बहुत तेज होती है, लोगों को भी ये समय समय पर परखते रहते हैं। दिल के बहुत अच्छे, फिर भी इन्हें धोखा बहुत मिलता है। अब वो लाइफ के किसी भी चैप्टर में हो, चाहे वो दोस्ती हो, रिलेशनशिप या फिर बिजनेस पार्टनरशिप, इन्हें पार्टनरशिप सूट नहीं करती। अपने नेटिव प्लेस से दूर जाकर अगर ये काम करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। अगर ये लोग बहुत सोच विचार कर कुछ काम करते हैं तो उसमें ये सक्सेस नहीं हो पाते, जबकि अचानक से लिए गए इनके डिसीजन, अचानक से किए गए इनके काम में ये आसानी से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। बहुत ही सीक्रेटिव होते हैं ये, रहस्यमय स्वभाव के, दूसरों की पर्सनल बातों को भी सीक्रेट रखना ये जानते हैं। लोगों की समस्याओं का समाधान आप आसानी से कर लेते हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, दोस्ती निभाना जानते हैं। अकेले काम करना पसंद करते हैं, आप अपने काम को किस तरह से करना है ये खुद डिसाइड करते हैं, किसी के डायरेक्शन में, किसी के कंट्रोल में आप काम नहीं कर सकते। जिस काम को शुरू करते हैं उसे पूरा करने की भरपूर कोशिश करते हैं। अकेले रहकर आप ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही गहराई से सोचते हैं, अपने फीलिंग्स किसी के साथ शेयर ये नहीं करते हैं। अगर इन पर कोई कठिन परिस्थिति आ जाए तो ये बहुत जल्दी और आसानी से हार मान जाते हैं, यानी कि ये पीछे हट जाते हैं। अपने क्लोज रिलेशनशिप को बनाए रखने की ये भरपूर कोशिश करते हैं। उम्र के एक लंबे पड़ाव के बाद ये पूरी तरह से स्पिरिचुअल हो जाते हैं। 25 मई को जन्मे लोगों का मूलांक होता है 7। 7 का अंक यानी कि केतु की एनर्जी। आप लोगों में केतु का प्रभाव तो देखने को मिलता ही है, साथ में चंद्रमा और बुध की एनर्जी भी इसमें शामिल है, क्योंकि 2 का अंक चंद्रमा का और 5 का अंक बुध का। चंद्रमा यहाँ आपको इमोशनल बनाता है, बहुत ही सेंसिटिव बनाता है, क्रिएटिव माइंड का बनाता है, जबकि बुध आपको कम्युनिकेशन स्किल देता है। केतु यहाँ आपको गहराई देता है। आप लोगों में कुछ बेचैनी रहती है दूसरों से अलग हटकर कुछ करने की, कुछ पाने की, और एक समय के पश्चात आप उसे पाने में लंबे संघर्ष के बाद कामयाब हो जाते हैं। 25 का ये अंक 2 और 5 से मिलकर बना है और बुध की चंद्रमा से बनती नहीं है। वो चंद्रमा की मन की बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए ऐसा 7 नंबर वाला केतु ज़्यादातर कन्फ्यूजन की स्थिति में रहता है। अब ऐसे लोग या तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं या बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। दिमाग में या तो कुछ ना कुछ चलता रहता है या फिर बिल्कुल भी सोचने के लायक नहीं रहते हैं। आपका मूड बहुत जल्दी जल्दी स्विंग होता है, कब आप खुश हैं, कब आप दुखी, कब आप गुस्सा करें, कुछ नहीं समझ में आता। अक्सर आप लोगों के साथ ऐसी स्थिति बनी रहती है। हाँ, पुरानी से भी बातें आपको याद रहती हैं। और अगर ये अंक नेगेटिव सेंस में चले जाएं, यानी कि चंद्रमा और बुध खराब स्थिति में हो जाएं, तो डिप्रेशन के हालात भी पैदा हो सकते हैं। फिर ऐसा व्यक्ति हर बात को नेगेटिव पॉइंट से सोचने लगता है और अपने लिए ही बुरे हालात पैदा करना शुरू कर देता है। उसे फिर अपने आसपास के सभी लोग नेगेटिव नज़र आने लगते हैं, फिर ये हर चीज़ में कमियाँ निकालनी शुरू कर देते हैं, हर बात को पकड़ने लगते हैं। धीरे धीरे आप सभी चीज़ों से, सभी लोगों से कटना शुरू कर देते हैं और जीवन भर खुद में ही उलझे रहते हैं। एकांत आपको पसंद आने लगता है। आप लोगों को हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए, वरना आप जिंदगी भर ऐसे ही कंफ्यूज होते रहेंगे। चंद्रमा यहाँ आपको सॉफ्ट हार्टेड बनाता है, सेंसिटिव बनाता है, इमोशनल बनाता है, वहीं बुध आपको फ्लर्टी नेचर का भी बनाता है। केतु आपको भटकाव दिलाता है, यहाँ आप बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं, आप अपनी इच्छाओं को रोक नहीं पाते हैं, जो आपके पास है उससे आप तृप्त नहीं हैं, बाहरी दुनिया में आपकी भटकाव वाली स्थिति बनी रहती है। और अगर आपका बुध कमज़ोर हो गया तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी स्थिति में होते हुए भी आप अपनी कामुक प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगा पाते, परिणाम स्वरूप आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बनते बिगड़ते रहते हैं। आप जितनी तेज़ी से किसी के साथ कनेक्टेड होते हैं उतनी ही जल्दी उनसे अलग भी हो जाते हैं। बात आपकी अगर लव लाइफ की हो या मैरिड लाइफ की, आप एक ही समय में एक से अधिक रिलेशनशिप चलाने की कोशिश में लगे रहते हैं। आप लोगों को यहाँ अपनी इमोशंस पे काबू पाना होगा, अपने आप को दूसरे क्रिएटिव वर्क में बिजी रखना होगा। अगर आप आर्ट के किसी क्षेत्र में अपना रुझान रखते हैं तो बहुत ही आगे निकल सकते हैं।
वैसे भी 25 का ये अंक सांसारिक दुनिया के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा आप लोगों को समझना होगा, क्योंकि 25 का ये अंक विरक्ति का मार्ग दिखलाता है, ईश्वर चिंतन की बात कहता है। इसलिए 25 के अंक वाले साधु, सन्यासी, योगी, दार्शनिक हो सकते हैं। आप लोग एक अच्छे काउंसलर, अच्छे हीलर, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं। लोग फिर आप में भारी श्रद्धा रखते हैं। 25 के अंक वाले ऐसे बहुत से दार्शनिक योगी हुए हैं जिनका नाम आज भी श्रद्धा से लिया जाता है। इसलिए उम्र के एक लंबे भटकाव के बाद ही ऐसे व्यक्ति अपने रास्ते को, अपने पथ को समझ पाते हैं। 25 मई को जन्मे व्यक्ति की सूर्य राशि है वृषभ, जिसके स्वामी हैं शुक्रदेव। अगर आपका सूर्य वृषभ राशि का है तो ये वीडियो आपके लिए है। कुंडली में सूर्य आपका जिस भी राशि में होगा वही आपकी सूर्य राशि होगी। अगर आपका सूर्य मेष राशि का है तो आपको मेरी 25 मई वाली वीडियो देखनी होगी, और अगर आपका सूर्य मिथुन राशि का है तो आपको मेरी 25 जून को आने वाली वीडियो का इंतजार करना होगा, तभी आप अपने बारे में सही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। सूर्य राशि हमारी सामाजिक छवि को दर्शाती है। आपका सोशल स्टेटस कैसा रहेगा ये हम सूर्य राशि से भलीभांति जान सकते हैं। यहाँ आपको एक बात और क्लियर कर दूँ, जब भी आप अपने कैरियर का चुनाव करें तो अपनी सूर्य राशि और अपने डेस्टिनी को नंबर को देखकर, अपने भाग्यांक के अंक को देखकर चूज करें, क्योंकि हमारी बर्थ डेट हमारी नेचर को दर्शाता है, जबकि हमारा भाग्यांक, जो कि ईश्वर के द्वारा दी गई हमारी डेस्टिनी है, हमारी पूरे जीवन की डेस्टिनी। इसलिए आप सभी को अपनी सूर्य राशि और अपनी मंथ के अनुसार अपने कैरियर का चुनाव करना चाहिए, तभी आप अपनी मंजिल को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक नज़र अपने आप पर भी डालना चाहती हूँ। मैं आर रूमी, एक काउंसलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। अगर आप भी अपनी लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जहां आप डिटेल में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के जरिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली प्रेडिक्शन के द्वारा नेम के आधार पर अपनी हर समस्या का समाधान 2 से 3 सेशन में मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात का अवश्य ख्याल रखिएगा कि ये पर्सनल कंसल्टेशन पेड है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं और जान लेते हैं 25 मई को जन्मे लोगों के बारे में थोड़ा सा और अधिक गहराई से। आप लोगों पर केतु और वृषभ राशि के शुक्र का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा। राहु की तरह केतु भी भ्रम का कारण बनता है, क्योंकि दोनों ही छाया ग्रह हैं, माया विग्रह हैं। फर्क दोनों में सिर्फ इतना है कि राहु आसक्ति देता है तो केतु आसक्ति के बाद विरक्ति भी दे देता है। केतु व्यक्ति को भ्रम में डालता जरूर है, लेकिन अंत में उस भ्रम को दूर भी करता है और आत्मज्ञान से परिचित कराता है, आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। आचार्य रजनीश की ये कथन संभोग से समाधि की ओर यहाँ पर 100% ये बात लागू होती है। ऐसा व्यक्ति प्रेम संबंधों में पड़ता भी है, लेकिन शारीरिक सुख से ज्यादा आत्मिक सुख की चाह रखता है, और एक समय के बाद वो इन सब से विरक्त भी होता चला जाता है। यहाँ केतु शुक्र को दिशाहीन करके व्यक्ति को प्रेम और रिश्तों में कई दिशाओं में ले जाता है, लेकिन अंत में व्यक्ति ये जान जाता है कि ये रिश्ते आत्मिक हैं या नहीं। कारण कोई भी हो सकता है। हो सकता है आपका जीवन साथी आपसे अत्यधिक प्रेम करता हो, लेकिन आप उसके प्रेम को समझ नहीं पा रहे हो, या फिर आप अपने साथी से जिस शिद्दत से प्यार करते हैं उस शिद्दत से आपको बदले में वैसा प्रेम ना मिल पा रहा हो। कारण कुछ भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि सिर्फ वही रिश्ते में त्याग कर रहे हैं, जबकि कारण कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ शुक्र केतु के कारण भ्रमित रहता है, चीज़ों को स्पष्ट रूप से देख समझ नहीं पाता है, जिस कारण एक समय के बाद अलगाव या फिर तलाक की स्थिति तक बन जाती है। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से कामुक प्रवृत्ति का होता है, फिर भी वैवाहिक सुख को भोग नहीं पाता, अपनी तृप्ति के लिए फिर वो गलत तरीके अपनाने पर भी मजबूर हो जाता है। वो अकेले में दूसरी कामुक वस्तुएं देखकर अपनी काम वासना को शांत करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा व्यक्ति विचित्र और गुप्त तरीके से अपनी काम वासना को पूरा करता है। ऐसा व्यक्ति परिवार में ही किसी के साथ इन्वॉल्व हो सकता है, होमियो या फिर लेस्बियन, गे, कुछ भी हो सकता है। शुक्र सुख है, जबकि केतु उस सुख से विरक्ति है। व्यक्ति के मन के इसी उधेड़बुन में शुक्र के उस कामुक हिस्से को नुकसान पहुंचता है, प्यार में निराशा हाथ लगती है, फिर ऐसा व्यक्ति प्यार और रिश्ते को
दो आत्माओं के मिलन की बजाय एक वस्तु के रूप में देखना शुरू कर देता है। कुंडली में अगर केतु और शुक्र खराब स्थिति में हो जाए तो व्यक्ति को मधुमेह यानी कि शुगर और पाइल्स की प्रॉब्लम दे सकता है। ऐसे व्यक्तियों को संतान सुख में कमी हो सकती है या संतान में देरी हो सकती है या फिर मिलती ही नहीं है। केतु की मां दशा में काफी नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि कामासक्त हो सकती है, हमेशा दिन रात उसी के स्वप्न ही देखता रहेगा, प्रेम कथाएं नॉवल्स इत्यादि पढ़ने में ज्यादा समय निकालेगा। नीच और भ्रष्ट व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग बढ़ा सकता है जो कि इसकी बदनामी का कारण भी बन सकता है। भोग विलास के साधन जुटाएगा, स्कूल कॉलेज जाने वाले किशोर एक दूसरे के साथ भाग सकते हैं। विवाहितों के भी अवैध संबंधों के कारण बदनामी हो सकती है। गैर कानूनी कार्यों में मन खूब लगता है, नशे की लत बढ़ सकती है, धन की चाह बढ़ जाती है, रिश्वत लेते पकड़े जा सकते हैं। घर में कला का वातावरण बना रहेगा, ऐसा व्यक्ति दूसरी स्त्रियों पर जुआ सट्टा नशे में अपनी अर्जित संपत्ति का नाश करने लगेगा। अपने शुभ चिंतकों से परिवारजनों से मित्रजनों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष पाल लेगा और उसे दूसरे लोग ज्यादा अच्छे लगेंगे। ऐसे जातक के घर में कन्या का जन्म हो सकता है और अगर कुंडली में केतु और शुक्र अच्छी स्थिति में हुए मजबूत स्थिति में हुए तो शुक्र के गुणों में केतु वृद्धि कर देगा। ऐसा व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, गंभीर स्वभाव वाला होगा, संतान सुख प्राप्त करेगा, अच्छी बुद्धि वाला होगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, लिखने में बोलने की कला में माहिर होगा, कला के क्षेत्र में नाम कमाएगा, सुखी विवाहित जीवन को प्राप्त करेगा, समाज में अच्छा पद सम्मान प्राप्त करेगा। ऐसा व्यक्ति कला के क्षेत्र में अपना नाम कमा सकता है, आध्यात्म के क्षेत्र में ऊंचाइयां छू सकता है। कुंडली में आपके शुक्र और केतु की स्थिति कैसी है वैसे ही आपको यहाँ पर रिजल्ट प्राप्त होंगे। आपका शुक्र कैसा है, आपका केतु कैसा है, ये जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे अच्छे और खराब शुक्र और केतु के लक्षण वाली इन वीडियोस को मेरे दूसरे चैनल पर एस्ट्रोलॉजी के मेरे दूसरे चैनल पर देख सकते हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एस्ट्रोलॉजी के मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको आसानी से प्राप्त हो सके, आप अपने बारे में और भी अधिक गहराई से जान सकें। केतु के खराब होने की स्थिति में गणेश जी की शरण में जाएं, मंगलवार का व्रत रखें, बीमार कुत्ते की सेवा करें, असहाय और बीमार लोगों की सेवा करें, किसी की भी जमीन पर कब्जा ना करें और शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार का व्रत रखें, सफेद वस्त्र धारण करें, हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहने, इत्र का प्रयोग करें, अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखें, चींटियों को आटा डालें, सफेद गाय को रोटी खिलाएं और हाँ महिलाओं का पूरा सम्मान करें, कभी भी उनको अपशब्द ना बोलें। जब लाइफ को दिशा ना मिल रही हो, सभी रास्ते आपको बंद नजर आए तो काउंसलिंग की मदद अवश्य लें ताकि आप अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान कर सकें, अपने जीवन को उच्चतम ऊंचाइयों पर ले जा सकें। आपके मित्र अंक बनते हैं 3, 6 और 8। 3 का अंक गुरु का, 6 का अंक शुक्रदेव और 8 का अंक शनि का। आपके समान अंक बनते हैं 4, 5 और 9। 4 का अंक राहु, 5 का अंक बुध और 9 का अंक मंगल का। आपके शत्रु अंक हैं 1 और 2 यानी कि सूर्य और चंद्रमा जिसे ये ग्रहण लगाते हैं। आप लोगों के लिए शुभ तिथि और शुभ अंक होते हैं 7, 16 और 25। आपके लिए शुभ दिन हैं गुरुवार और शनिवार यानी कि थर्सडे और सैटरडे। आपके लिए शुभ रंग होते हैं ग्रे कलर, मटमैला कपूरी रंग, सफ़ेद रंग, पीला रंग, सफ़ेद काला चितकबरा रंग। आपको गहरे रंगों से बचना चाहिए। आप लोगों की दोस्ती और कंपैटिबिलिटी उन लोगों के साथ अच्छी और अधिक घनिष्ठ देखी गई है जो आपके ही टाइम पीरियड में पैदा हुए हों, यानी कि 21 अप्रैल से 27 मई और 21 जून से 27 जुलाई के मध्य। और अगर इस समय के बीच में आपके साथी का जन्म 7, 16 या फिर 25 तारीख को हुआ है तो सोने पे सुहागा। इसके अतिरिक्त 21 जनवरी से 27 मार्च, 21 सितंबर से 27 अक्टूबर, 21 नवंबर से 27 दिसंबर और 21 दिसंबर से 27 जनवरी के मध्य जन्मे लोगों के बीच आपके विपरीत लिंगी आकर्षण आसानी से देखे जा सकते हैं। अगर आप इस समय के बीच में 7, 16 या फिर 25 तारीख को कोई नया कार्य आरंभ करते हैं या कोई शुभ कार्य संपन्न करते हैं तो ये भी आपके लिए अति शुभ फलदायी साबित होगा। अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे
पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं, तो वो पेड हैं। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आरुमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।